नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, सबको पता होगा कि हम NTA UGC नेट GRF की तैयारी करवाते हैं हमारे चैनल पर। तो ना केवल NTA UGC नेट GRF को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि आपका KVSS NVSS DSSB UPGDC GIC इस प्रकार के PGD TGD किसी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। एक दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्री UGC नेट /फिलर फोरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उसका भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। और चौथा हमारा एक पेड कोर्स है जिसका कि मिनिमम अमाउंट जो है नॉमिनल सा रखा हमने, बिल्कुल 500 रुपीज़ दे करके आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको PDF सपोर्ट, हमारी गूगल मीट जो हर हफ्ते होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता जो हमारा वीकली वो कराते हैं हम आपका रिविजन कराएंगे, उसमें सारा ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओनली 500 रुपीज़ में जितने लोग ले सकते हैं ले लीजिए, उसकी डिटेल नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। नंबर दिया हुआ नंबर मैसेज करके आप जो है हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जो इंक्वायरी करना हो कुछ आओ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारी क्लास में चलते हैं। तो हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के माध्यम से आप सभी का क्या बोलते कोर्स करा रहे हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेज, इसके बाद हमारा पाषाण काल वगैरह आएगा, तो इसी के ये नेक्स्ट वीडियो है इसी संदर्भ में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, वो क्वेश्चन है कि किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, यानी कि यूरोपियन भाषा के अंदर पहला जो ग्रंथ अनुवाद किया गया, जो ट्रांसलेशन किया गया, उसका नाम क्या है, ये बताना आपने, बताइए। MPSET 2018 में आया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कोई खास है नहीं इसके अंदर। राइटर्स का नाम बताना चाहिए आप सभी को, किस राइटर के कौन कौन से ग्रंथ है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हिस्टीरियोग्राफी चल रही है हमारी। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 30 सेकंड के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 1 2 3 4 जो भी आपको लगता हो करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ये इसकी डिटेल देख लेना। 1784 में विल्किंसन ने संस्कृत से अंग्रेजी में पहले प्रत्यक्ष अनुवाद के रूप में भगवद गीता का अनुवाद किया था, और 1787 में फिर हितोपदेश का अनुवाद हुआ था। 1789 में सर विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का एक नाटक है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे पहले कौन आया, ये भी MPSET में आया हुआ है, 2018 क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फाहियान। ये 4th AD में आया था, 4th शताब्दी में, 399 414 का टाइम पीरियड था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था, वो आपका ये क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और ये मेघसनी जो आया था, ये आया था आपका 321 BC 4th BC में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तो सबसे प्राचीनतम, ये फाया नहीं होगा भाई, सॉरी, मेघसनी जो हो जाएगा इसका। ठीक है, ये देख लो इसका, ये दिए हुए यहाँ पे कौन सा शासक कब आया था। इत सिंह ये गलत दे रखा, महमूद का जन्म के टाइम पे नहीं आया था, गलत है, ये थोड़ा सही करना इसको, ये जो है ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, महमूद का जन्म के टाइम पे नहीं आया था। महमूद का जन्म बहुत बाद में आया था, 11th सेंचुरी में आया था महमूद का जन्म, है जिसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं।
आगे अगला क्वेश्चन करेंगे हमने, किसके पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की थी। हाँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था कि इसमें क्या बोलते हैं इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जो थे इन्होंने एक्विजिशन में काफ़ी काम किया हुआ, तो इन्होंने जो था एक बुक मिली थी इनको, एक फॉरेनर ट्रैवल राइटर की हिस्टोरिकल बुक, उसके आधार के ऊपर इन्होंने बहुत सारे स्थानों की जगहों को पहचान के और उनको फिर आइडेंटिफाई करके खुदाई की थी उनकी, तो काफ़ी सफलता मिली थी उन्हें। बीटा था, मथुरा था, अयोध्या था, कुषाण काल में बहुत सारे स्थल मिले थे इनको, खुदाई कर करके निकाले थे इन्होंने। तो वो थे आपके, कौन सा आधार क्या था उसका, वो था आपका वेनसांग, 7th सेंचुरी में जो आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। हाँ संस्कृत में लिखा गया कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। एमपी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2017 में आया क्वेश्चन है ये, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान या फिर मिलन पन्हो। बताइए साथ फटाफट करो राइट आंसर, क्वेश्चन की आंसर कीजिए अपना, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दिव्यावदान, इसकी डिटेल देख लेना। कहा गया था कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख चार वर्णों के स्तर, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेष अधिकारों में स्पष्ट रूप से भेद किया है। ये विशेषण प्रोफेसर आपका एमपी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो एक क्वेश्चन कुछ है नहीं, बता सकते आप लोग आराम आसानी के साथ में, है ना। बताइए तो फिर किसने किया था चार वर्णों में, वर्णों का स्तर का, व्यवसाय का, दायित्वों का, कर्तव्यों का और विशेष अधिकारों का अलग अलग रूप से भेद कर दिया था, अलग अलग रूप से उनके कर्म गुण कर्म धर्म जो है डिवाइड कर दिए थे। तो वो एक ही है आपका, सबको पता होगा धर्म सूत्र में है ये। आगे क्या था कि निम्नलिखित पर विचार की धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है, आरपीसी कॉलेज लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये ऑप्शन दिए हैं बताइए, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतिकाएँ, स्मृतियों पर टीकाएँ और निबंध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ए बी सी डी चारों ही आते हैं, हमारा धर्म सूत्र भी आते हैं, स्मृतियाँ भी आती हैं, स्मृतिकाओं के ऊपर लिखे हुए जो टीकाएँ हैं वो भी और निबंध भी। ये इसकी डिटेल पे है, पढ़ लेना अपनी, ठीक है, डिटेल अच्छे से पढ़ा करो, इन्हीं में से क्वेश्चन आते बन करके, एक प्रकार से मैं थ्योरी करा रहा हूँ आप सभी की। आगे आता है कि धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, नेट का 2019 क्वेश्चन है,
बताइए। पहला कहता है कि इनमें चार वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, एक। बाकी तीन और दिखाता हूँ, आप सभी को ध्यान देना इस चीज़ पे। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, इसमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। बताइए क्या चीज़ नहीं है। एक एक यहाँ पे है, ये रहा, देख लो अच्छे से, ठीक है। बाकी आप और दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये तीन तीन ऑप्शंस यहाँ पर हैं। बताइए कौन सा एक ऑप्शन जो है वो गलत है। सिंपल सी बात यार, इसमें कुछ है ही नहीं खास। टू नंबर आ जाएगा इसमें, कि इसमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। नहीं, इसमें हो, सॉरी सॉरी, टू नंबर आएगा इसमें, थर्ड नहीं भाई, गड़बड़ हो गई। ये आएगा इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ, नहीं, जातियों का संदर्भ है इसमें, ठीक है। ये डिटेल देखो इसकी, देवी चंद्र गुप्तम नाटक नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है। एमपीएससी प्रोफेसर एग्जाम 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए देवी चंद्र गुप्तम का नाटक का लेखक किसे माना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। सबको पता होगा विशाख दत्तकाली माना गया है देवी चंद्र गुप्त नाटक जो है। कहता है कि स्रोत सूत्र का संबंध किससे है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट का, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन देखा जाए तो, और ये आपका एमपीएससी प्रोफेसर एग्जाम 2017 में भी आया हुआ है। स्रोत सूत्र का संबंध किससे है। ये धर्म सूत्र बहुत सारे लिखे गए थे ना, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, बोधायन सूत्र। बोधायन के जो एक महर्षि हुए थे, उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे थे, और उन्होंने भी लिखे थे अलग अलग समय पर, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए साथियों, ये ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएंगे हमारे वेद, वेदों के बाद उनके वेदों के बाद आरण्यक, फिर उनके ब्राह्मण, वेद वेदों के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, आरण्यक के बाद में आपके आ जाते हैं स्मृतियाँ, फिर सूत्र, पहले सूत्र आएंगे, फिर स्मृतियाँ आ जाती हैं, टीकाएँ वगैरह आती हैं, और लास्ट में आता है सबसे उपनिषद आते हैं उससे उसके बाद में, फिर सबसे लास्ट में आते हैं आपके पुराण। पुराण सबसे बाद की रचनाएं मानी गई है, जो कि धार्मिक पौराणिक गाथाओं और इतिहास के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। पुराण को धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, वो ऐतिहासिक ग्रंथ माने गए हैं। उनमें राजाओं की वंशावलियाँ मिलती है, लंबी लंबी, अलग अलग राज्यों के, ठीक है। तो और इसका जो स्रोत सूत्र संबंध है वो है आपका यज्ञ से। कल्प सूत्र मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, देख लो, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। ये देख लो, स्रोत सूत्र का क्या अर्थ होता है, शूल सूत्र का क्या अर्थ क्या होता है, ठीक है। रेखा गणित का माना गया है शूल सूत्र की, शूल सूत्र को जो है आरंभिक रेखा गणित का जनक माना जाता है। वैदिक ज्यामिति, क्या बोलते ज्यामिति को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, यहीं से शुरुआत मानी गई है उसकी। और ग्रह सूत्र के अंदर ये देखो क्या क्या आते हैं, गौड़ बहु की रचना किसने की थी, एमपीएससी ने प्रोफेसर एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। गौड़ बहु तो बिल्कुल सिंपल है, बताओ। कलहण, वक्पतिराज, बाण भट्ट या कौटिल्य, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम रबड़ी क्वेश्चन, मलाई क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, हल्का
हलवा भी ज़्यादा हो जाएगा इसके सामने तो। ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ नोट कर लिया करो अपना कौन सा राइटर है, कौन से बुक है, उनके डिटेल क्या है, और जिनके नहीं आ पाते उनका पॉज करके देख लिया करो बाद में, या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में, अपना नोट्स बना लिया करो, इसी में से आएंगे आपके क्वेश्चन, बता रहा हूँ आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वाक्पति राज की राइटिंग है वो। कन्नौज का शासक यशोवर्मन के इतिहास की जानकारी प्रमुख तो उसके दरबारी कवि वाक्पति राज द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा घोड़वाहो काव्य है, जिसका वर्णन का विषय है विजय वृंत घोड़वाहो का यशोधर्मन द्वारा वध। घोड़वाहो मतलब गोड़, गोड़ का राजा जो था ये, हाँ गोड के राजा, गोड बोले आज का जो ये बंगाल में था उस समय का गोड, आज का बंगाल, यशोधर्मन ने उसके मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी, 8th सेंचुरी की बात है। आगे तो इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, बिल्कुल राजस्थान सेट 2013-14 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, इंट्रोडक्शन जब बताया था ना, NTUGCNET का इंट्रोडक्शन जब मैंने लिया था, और ये दोबारा ही बताया था आपका कंप्लीट स्ट्रेटेजी बुश वगैरह के बारे में, उसके बारे में पूरा बताया है, जिन्होंने देखो वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो सेकंड थर्ड वीडियो जो मैंने बोर्ड पर कराई थी वो इजीली बता सकते हैं, उनको याद होगा तो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अथर्ववेद। इसी कारण इतिहास को एक पांचवा वेद माना गया है, पंचम वेद माना गया है, ठीक है। अथर्ववेद में इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है शब्द का, ये देख लो इतिहास और गवेना गवेषणा। पता लग गया, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भारत में प्राचीन पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एच पर रिटन प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए, बताइए सर राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है। ताड़पत्र पुत्र इनकी उत्कीर्ण किए जाते थे क्या, पांडुलिपियाँ, लेकिन ताड़पत्रों के बिना आकार में, लेकिन वो काट छाट तो करनी पड़ेगी ना, काट छाट करके सफाई करके डिजाइन बना करके उनको प्रोसेस किया जाता था तेल वेल लगा करके, तब ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक रुके रहें और वो अक्षर उनके ख़राब ना हो और वो कीड़े जो दीमक वगैरह ना लगे उनके लिए, तो प्रोसेसिंग की जाती थी उनको तेल वेल लगा करके, ठीक है ना। ये देखो ये देख लो, फिर आगे और दिखाता हूँ आपको, पढ़ लिया होगा तभी ना, जो ना पढ़ पाए अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। देखा, उचित आकार में काट लेते थे, बाएं मध्य दाहिने शीर्ष पर छेद कर दिया था पांडुलिपि
कौशला का एक नुकीली कलम की तरह की वस्तु से पत्ते पर कोण किया, पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता था। पृष्ठ संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने सिर में अंकित होती थी। ये देखो प्राचीन भारतीय पांडुलिपि में भविष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी डिटेल भी देखो, क्वेश्चन पूछ लिया उसी में से, तो बताओ। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल एक सही है। ये बताया ना आपको कि ताड़ पत्थर से बनाए थे, लेकिन ताड़ पत्थर के साथ साथ ओनली खजूर से नहीं, ताड़ खजूर से बनाई जाती थी और ताड़ के पत्थर से बनाई जाती थी। केवल पंखियाँ मतलब पत्तियाँ खजूर ताड़ के नहीं लिए, तो और पेड़ों के लिए जाती थी। ठीक है, भारत से पुराने कागज़ की पांडुलिपि कहाँ से मिलती है? तो 2016 का आया क्वेश्चन है, ये नेट का भी आया क्वेश्चन है। बताइए प्राचीनतम कागज़ की पांडुलिपि कहाँ से मिली? हाथ के लिखी हुई पांडुलिपि, मतलब जो हाथ से लिखे गए हैं ना, चाहे वो ताड़ पत्थर पर हो, भुज बुर्ज खाल पे, बर्च का पेड़ होता है उसकी छाल पे लिखा जाता है, जाकि जो कि पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है पेड़ होता है, या आपके हिमाचल उत्तराखंड कश्मीर में जो की तरफ में हिमालय की तराई में जो है ना क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है वो पेड़, उसके छाल को उतार के पतली सी और छाल होती है उस पर लिखा जाता है, उसको बुर्ज बोलते हैं, बुर्ज का पेड़। जैसे बुर्ज होम है ना, उसी के नाम पर पड़ा, उन पेड़ों के अधिकता कारण वो उसका नाम बुर्ज होम पड़ा है, कश्मीर में है। तो बताइए कहाँ से मिली थी वो प्राचीनतम पांडुलिपि? कागज़ की लिखी, कागज़ के ऊपर लिखी हुई बात हो रही है। कब मिली थी, किसकी और कौन सा ग्रंथ था, वो ये पता होना चाहिए आपको। तो वो जो था ना, वो था आपका कौन से पांडुलिपि थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? गुजरात से मिली थी वो कागज पर लिखी। प्राचीन पांडुलिपि भारत में कश्मीर से प्राप्त हुई है, जो शतपथ ब्राह्मण की 1089 कागज पर लिखी। एक अन्य पांडुलिपि गुजरात से प्राप्त हुई, जो कि 1223-24 विकल्पना था, गुजरात सही उत्तर है। हाँ, क्योंकि यहाँ तक प्राचीन पांडुलिपि से वैसे शतपथ ब्राह्मण की 1089 में कश्मीर से प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो कश्मीर चूंकि ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, गुजरात राइट ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन वैसे एक्चुअल में कहाँ थे, कितने कब प्राप्त हुई है, शतपथ ब्राह्मण की लिपि और लिखी पांडुलिपि 1089 में कश्मीर से प्राप्त हुई है। ठीक है, पांडुलिपि सबसे प्राचीनतम कश्मीर में से प्राप्त हुई है, 1089 की लिखी हुई है कागज भी शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है, उसके बाद जो मिली वो 13वीं शताब्दी में, यानी 1223-24 में गुजरात में मिली है। तो चूँकि यहाँ पर कश्मीर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, गुजरात ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है, दोनों को नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। आगे आता है कि भारत में कहाँ पर भोजपत्र भारत के बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? नेट 15 का आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो PY क्यों पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रृंगवेरपुर। कहता है कि कागज़ की खोज में से पहले लिखने का कार्य भोजपत्र पर किया जाता था। ये डिटेल पढ़ लेना यार, भुर्ज नाम पड़ा है इसका, हिमालयन बर्च का पेड़ होता था, राज्य नाम बेटुला यूटिलिटीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं अभी।
क्या थे? प्राचीन भारत में जातक कथाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एच पी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का एग्जाम है। ए और बी, वे बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएं हैं, वे संस्कृत में लिखी गई हैं। दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से आपने चार ऑप्शन चूज करने हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ये डिटेल देख लो आप इसका। ठीक है, पाली में लिखी गई है वो कथाएं, जो तो ज्यादा कथाएं पाली में लिखी गई है मूल रूप से, ना कि संस्कृत में। बात संस्कृत बाद की भाषा है, पाली साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ज़्यादातर पाली और प्राकृत में लिखा गया है, और अगर जैन तो अर्धमागधी में लिखा गया, मागधी और अर्धमागधी में। पंचतंत्र कथाएं किस चीज़ की बताओ? पंचतंत्र की कथाएं क्या है? पंचतंत्र के बारे में एक बात और बात बता दो। पंचतंत्र जो है विष्णुगुप्त शर्मा नाम के इतिहास उसने लिखी थी, विद्वान महोदय ने लिखी थी, और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है ये। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है, सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाली और सर्कुलेट होने वाली बुक है बाइबल। बाइबल के बाद सेकेंड नंबर की सबसे पुस्तक थी ये पंचतंत्र। अभी तो शायद में डाटा शायद चेंज हो गया है, काफ़ी पहले, कई साल पहले की देखा था मैंने, तब वही बता रहा हूँ। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, तो गूगल पर जाकर देख लेने एक बार। लगभग वर्ल्ड की लगभग सभी भाषाओं में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ना, बच्चों खास तौर से, यहाँ इनके बच्चे टीनेज में है ना, छोटे बच्चे हैं 8, 10, 12, 15 साल के, उनको खास तौर से पढ़ाया करो हितोपदेश और पंचतंत्र, सबके घरों में होनी चाहिए, कंपलसरी बता रहा हूँ मैं। आप बच्चों को पढ़ाने की बहुत अच्छी चीज़ है। मैं छोटा था बहुत पढ़ता था, ब्रेन शार्प होता है आदमी का, इसे मोटिवेशन मिलता है बच्चे को समय, क्योंकि बच्चा जो बच्चे का दिमाग छोटा होता है तो संकुचित दिमाग होता है, तो धीरे धीरे करके बच्चे का दिमाग खुलता है, वो जैसे माहौल में रहेगा ना वैसे ही उसकी आइडियोलॉजी बनती है आगे चल करके, तो उसी का ध्यान रखना आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यंग्यात्मक कथाएं, ये देख लेना। ये पांच भेद हैं इसके, देख लें, इम्पोर्टेंट नोट कर लेना अपना। इसके पांच तंत्र कौन कौन से? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। आगे क्या कहता है? प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, ये देखो 92 2010 में पूछा गया है, यूके RAS में, PCS में। बताइए, नोटबुक पहन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो, आपका ये समझ लो एक तरह से हिस्टोरियोग्राफी हो रही है, बुक्स और राइटर्स और उससे संबंधित और चीज़ें जो जो नई नई आ रही हैं। इसका पंचतंत्र अभी बताया ये आपको, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी किसके द्वारा? लिखी गई थी
ये भी बताया ये अभी आपको, MPPC SPRI 2013 क्वेश्चन है विष्णु गुप्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एक पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है किंतु उसके अंश परवर्ती पुस्तकों में उपलब्ध हैं। एच प्रेसिस्ट ने प्रोफेसर 2016 का आयोग क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र है, नेचुरल हिस्टोरिया, हर्षचरित, इंडिका। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, बता सकते हो आप लोग आराम से, बताइए। उसका मूल रूप में नहीं है, मतलब अपनी ओरिजिन वो में नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो लेखकों ने उसका अनुवाद जो किया है ना, उसके संदर्भ जो मिलते हैं बाद में के लेखक ने, सभी संदर्भों को मिला करके एक इकट्ठी पुस्तक लिखी थी। कौन सी है, समझ गए होगा आप सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इंडिका। किताबुल हिंद का लेखक कौन था, एच पी सी ने प्रोफेसर 2016 का आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो सबको पता ही होगा, वो था आपका अलबरूनी। इत सिंह कितने चीनी भिक्षुओं का संक्षिप्त वर्णन करता है जिन्होंने 7वीं सदी में भारत का भ्रमण किया था। एच पी सी पर फिर 2016 का आयोग क्वेश्चन है। इत सिंह ने लिखा कितने चीनी भिक्षुओं के बारे में जिन्होंने 7वीं सेंचुरी में भारत की यात्रा की थी, बताइए। 50, 56, 60, 64। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 56। इतने भिक्षुओं का वर्णन करता है, ये नोट कर लेना अपना। अशोक अवदान का रचना काल है, RPSC में आया हुआ है 2013 का। दिव्य अवदान और अशोक अवदान दो लिखे गए थे ना ग्रंथ, कब लिखे गए थे, कहाँ लिखे गए थे पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही लिखे गए थे आपके महावंश और दीपवंश, हाँ दीपवंश और महावंश भी लिखे गए थे इसी प्रकार से। अशोक वदना नहीं है ये, अशोक अवदान है ये, अशोक अवदान, अशोक अवदान, अशोक जमा अवदान तो अशोक अवदान बनेगा। ये तो लिपि की प्रॉब्लम है, लोगों को लिखना नहीं आता हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1st, 2nd सेंचुरी की बात है। आगे कहता है किसके नेतृत्व में ASI बोलते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। RBC कॉलेज लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में किया गया सबसे पहले एक्सकवेशन, खुदन, खुदाई, किसके खुदाई जो था, खुदाई का किसके डायरेक्शन में की गई थी खुदाई, ASI के द्वारा, ASI बोले तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये पता होना चाहिए आपको, पहले बताया कई बार। तो लीडर कौन थे समय के, किनके डायरेक्शन में किया गया था काम,
वो क्या कहता आपके ऑप्शन नंबर टू, ओ सॉरी फर्स्ट आएगा जॉन मार्शल के टाइम पीरियड की बात है। कनिंगम ने तो घर बनाया ही था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट की थी उन्होंने, वो पहले डायरेक्टर हुए थे उसके। ठीक है, यहाँ तक का हो गया, आगे चलते हैं। कुछ ये समझ में ना आई हो पूछ लिया करो, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैं साथ साथ क्लियर करवा देता हूँ उनको। ये देखो इसकी व्याख्या पढ़ लो अच्छे से, काम आएगी आपके। जो मौर्य टाइम पीरियड में तक्षशिला का जो टीला है ना वहाँ उत्खनन किया गया था। दो थे ये, एक तो तक्षशिला था और एक और था, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखिए पूरी डिटेल बता दी आप लोगों को। और कहता है कि निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 PYQ है। बताइए निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। मैंने बोला था ना आपको कि पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो इतिहास का हिस्सा है। पौराणिक कथाओं, कहानियों और इतिहास की बीच की कड़ी माना गया है आपका पुराण। पुराण में 30% मिलेगा, 20 से 30% मिलेगा आपको प्राचीन पौराणिक कथाएं कहानियां, और 70-80% मिलेगा आपको रियल का इतिहास में राजाओं वगैरह की लंबी लंबी वंशावलियाँ दी गई है। उस समय का चित्र मिलता है हमें समाज का, अलग अलग समय पर लिखे गए थे। ये सबसे प्रामाणिक दो पुराण माने गए हैं। कोई बताएगा जरा कौन कौन से पुराण, कई बार बता चुका हूँ पहले भी, जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मत्स्यवारी पुराण, और यही दोनों पुराण जो सबसे ऑथेंटिक और प्राचीन माने गए हैं, सत्य का अधिक निकट है ये दोनों पुराण जो है। ठीक है, देख लो डिटेल रहा। आ गया था कि निम्नलिखित में से फाइयान वेन सांग व इत सिंह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एक, दो, इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे था जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तीनों भारत में अनेकों वर्ष व्यतीत किए, तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी। दो हो गया, दो और दिखा देता हूँ आपको। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया और फायन वेद सिंह जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु वेन सांग ने अपने संग्रह के हर के विषय में पर्याप्त वर्णन किया है। कौन सा गलत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, ये गलत है। ये डिटेल देख लो। देख लिया आपने इसकी डिटेल, ये व्याख्या अच्छे से देख लिया करो, इनमें नोट्स बना लिया करो। जैसे कि फायन कितने साल तक रहा है, 14 साल, फिर इंसांग 16 साल, और सिंह रहा था 16 से 17 साल भारत में यात्रा पर रहे थे ये लोग। ठीक है, आगे था कि निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली है। ये तो सिंपल क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, पूछा मैंने आप लोगों से।
किन किन ने ली है? अच्छा, इसका ऑप्शन भी होंगे ना? हाँ, ये रहे ना ऑप्शन, बताओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, सी और डी, यानी कि टू, भारवी, माघ और क्षेमेंद्र ने। ये डिटेल रही आपकी, जानकी हरण, जनक की बेटी जानकी यानी सीता का हरण हुआ था उसके बारे में लिया गया। भट्टी कृत भट्टी का, रावण वध, भगवती कृत राव और महावीर चरित, और मालती माधव, कालिदास कृत रघुवंशम, रामायण कथानक पर आधारित हैं, ये देख लेना। हो गया यहाँ तक, आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा और। चरित साहित्य उनके लेखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना आपने। बताइए। राइटर और राइटिंग कौन सी मैच मेकिंग नहीं है सही से, बाकी तीन मैच मेकिंग है, एक नहीं है, वो कौन सी है ये बतानी है आपने। आरपीएससी कॉलेज लिखते 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भोज प्रबंध पद्मगुप्त। में से कौन सा सही ढंग से मेल में नहीं है, बताइए। DSSB PGT 2016 का है। नहीं, ठीक है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है तो आपने पढ़ा है पहले से भी, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं। आसानी से राइट इसका कौन सा आंसर कर सकते हो आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सबको पता है क्या, कि महाभाष्य जो है ना, पाणिनि का नहीं है, पाणिनि की तो क्या थी, अष्टाध्यायी थी, अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। तो पतंजलि महाभाष्य किसका है, महर्षि पतंजलि का है, पतंजलि का लिखा हुआ महाभाष्य, जो कि पाणिनि के ऊपर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया भाष्य है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, बिल्कुल सही है, अग्निमित्र पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, और मालविका की कहानी है इसमें, प्रियदर्शिका नागानंद और एक तीन, ये नाटक हर्ष के द्वारा लिखे गए थे, और मुद्र राक्षस विशाखदत्त का लिखा हुआ है, बाकी तीनों ठीक है। मतलब कौन सा युग्म सही कीमत नहीं है, ये आगे दोबारा से, ये तो फिर दोबारा वही आगे भी बताया आपको, ये बिल्कुल सही है। पुराण मनवंतर जो है ना, एक टर्म है युगों की अवधारणा को लेकर के, चार युगों को मिलकर के चतुर्युग बना, चतुर्युग ऐसी कहते हैं, चतुर्युग मिलकर के एक मनवंतर बनता है, मनवंतर बनता है आपका इस यहाँ, तो ये तक 71 चतुर्युग बन करके, ठीक है, चार युगों का एक चतुर्युग और 71 चतुर्युग मिलकर के एक मनवंतर बनता है, ध्यान रखना इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। मंजूसरी ये सही है, पाणिनि का बताया मैंने आपको, महाभाष्य नहीं है, पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। प्रशस्ति का अर्थ क्या है बताइए, पहले भी क्वेश्चन आया था ये, दोबारा आ गया, बताइए क्या प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा करना किसी चीज़ की, तो प्रशंसा आदमी किसकी करेगा, कोई बताए। इधर तस्तरी क्या होती है, तस्तरी को बोल सकते हैं प्लेट, आधुनिक प्रकार से जैसे खाने की प्लेट होती है ना,
ऐसे एक प्लेट जो गोल होती है उसे तस्तरी बोलती है फारसी की टर्म है, फारसी अरबी, हाँ फारसी है तस्तरी। राधा की स्तुति होता है, प्रशंसा, राधा की प्रशंसा, राधा की स्तुति। ठीक है, आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पर पूर्ववर्ती है, सिकंदर से पहला का है, हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का है। ऑप्शन दिए गए हैं क्या? नहीं, स्कैनिंग गड़बड़ हो गई यार, नहीं चलो दोबारा करना पड़ेगा। तो सिकंदर से पहले का कौन सा आएगा आपका बताओ। चलो ये आप, मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है, आप देख लेना इसका कमेंट बॉक्स में आपने करना, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आज आज से मैं होमवर्क नया सेशन शुरू कर देते हैं, आप सबको लास्ट में होमवर्क दूंगा जो जिसका अगले दिन मैं आंसर करूँगा। आपने सबने कमेंट बॉक्स में बताना होता है वो उसका आंसर, कि राइट आंसर क्या होगा इसका। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रैबो, प्लिनी, निआर्कस और टीसीएस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वन बाय वन करके सोल्व किया। साथियों अपना नोटबुक पेन लेके बैठा करो, एमसीक्यू को मेन फैक्ट मेन मेन जो चीज़ें वो नोट डाउन कर लिया करो, और साथ साथ क्या बोलते हैं इसका, आपका हिस्टोरियोग्राफी भी करवा रहा हूँ, हिस्टोरियोग्राफी का ही चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ये राइटर्स और उनकी बुक्स रिलेटेड संबंधित सारी चीज़ें आ जाती है हमारी इसमें। ठीक है, तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, मैक्सिमम शेयर कर दिया जाकर, ठीक है, शेयर कर दिया करो ताकि मुझे बेनिफिट हो उस चीज़ का, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, रात को और दिन में, दोपहर में, हमेशा डेली 1 बजे 1 PM पे हमारी लाइव क्लास चलती है, उसको जरूर अटेंड कर लिया करो, जो अटेंड कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते वो बाद में देख लिया करो, लेकिन देखा जरूर करो। ठीक है, लास्ट मोमेंट भगदड़ मचती है, फिर सबको सब कुछ चाहिए होता है, 6 महीने का कोर्स 1 महीने में पूरा नहीं हो पाता, सबको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज़ और, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, जिनको ज़्यादा कम अमाउंट में ज़्यादा चाहिए, तो वो हमारे पेड कोर्स ले सकता है। पेड कोर्स ले हमारा ओनली ऑन सिर्फ मिनिमम 500 रुपीज़ में पेड कोर्स दे रहे हैं हम आप सभी को, उसमें सारा कुछ देंगे आपको, लाइव गूगल मीट में डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा, उसमें PDF नोट्स, MCQ, PYQ वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। ठीक है, तो क्लास रहने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।